हेलो दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद यह है कि जैसे जब आप सीलिंग फ़ैन को रिवाइंड करते हैं, नया वाइंड करते हैं, तो उसमें जो मेन लीड निकालते हैं, सबसे ज़्यादा गलती वहां से होता है। क्योंकि जब मेन लीड निकालते वक्त तो वहां पर आप गलती करते हैं तो ज़्यादा दिन पंखा नहीं चलता है, ज़्यादातर लीड का ब्रेक होता है। तो दोस्तों, इसी वजह से यहाँ पर यह वीडियो बनाया गया, क्योंकि जब आप लीड निकालते हैं तो उसमें इस तरीके से लीड निकालना चाहिए जो कि बाइंडर के ऊपर पेपर धर के और उसके ऊपर डबल ट्रिपल स्लू लगा के लीड को निकालना चाहिए, ताकि वहाँ से जब हीट हो वाइंडिंग का मेन लीड तो कोई दिक्कत ना हो बाइंडिंग कॉइल पर। इस तरीके से लीड निकालना चाहिए सीलिंग फैन स्टेटर से, ताकि सीलिंग फैन स्टेटर या पंखा लंबे समय तक चले। और उसमें पेपर भी अच्छे तरीके से लगा के रिवाइंड करना चाहिए। ज़्यादातर तो पेपर का ही दिक्कत आता है, क्योंकि जब पेपर सही ढंग से नहीं लगा रहा तब भी दिक्कत आता है। और इसी तरह जो स्टैंड फैन होता है उसका भी पेपर को ध्यान देना होता है, उसमें पेपर अच्छे से लगाना होता है स्लॉट के बीच में, ना तो ज़्यादा स्लॉट में चौड़ा हो पेपर और ना ही ज़्यादा छोटा हो। इस तरीके से अच्छे से लगाना चाहिए एकदम लेवल में। इसके बाद वाइंडिंग को करना चाहिए। यहाँ पर इस तरीके से 2800 RPM का स्टेटर है, जो कि बीच में खाली स्लॉट 6 छोड़ के 8 नंबर 8 10 12 इसका पिच होता है। इस तरीके से वाइंड कर लिया गया है। स्टार्टिंग इसके अंदर होता है और रनिंग बाहर साइड होता है। और इसको भी इसी तरह जहाँ से आप लीड निकालते हैं उसमें आपको उसके नीचे पेपर लगा के बांधना चाहिए, ताकि बाइंडिंग कॉइल का जो मेन सिरा होता है उस पर कोई भी लूजिंग पॉइंट होने की वजह से यहाँ पर बाइंडिंग पर कोई दिक्कत ना हो। इस तरीके से इसको भी वाइंडिंग करते हैं या बांधते हैं धागे के द्वारा, और इसमें इस तरीके से अच्छे से पेपर लगा के एक वाइंड कॉइल करना चाहिए।